नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल वाला बेल आइकन है उसे आप जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने में दिख रहा होगा और ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको पैसा भी बांटना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है जबकि बी अकेले उसे 15 दिनों में कर सकता है। उसके बाद कहता है कि सी की सहायता से वह उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाते हैं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी, यह आपको यहां पे बताना है। ठीक है, अब हमें बांटना है राशि। अब राशि हम कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल काम यहाँ पर है कितना। तो कैसे निकालेंगे, ए जो है काम कर रहा है 12 दिन में, किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। बी जो है इसे 15 दिन में करेगा और ए प्लस बी प्लस सी इसे कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। तो इन तीनों का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क होगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है कि ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है और ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो कैसे निकालेंगे, 60 से आपको 12 को डिवाइड करना होगा तो ये जाएगा आपका 5 बार में, ये जाएगा आपका 4 बार में और नीचे वाला जाएगा आपका 12 बार में। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि जो ए है एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में 4 काम कर सकता है और ए बी सी मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। तो यहाँ से हम सी का भी निकाल सकते हैं, सी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो इन दोनों को प्लस करके हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा। तो 12 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो सी जो है 3 काम एक दिन में कर सकता है। अब आपको यहाँ पर बांटना है क्या, पैसा बांटना है। ठीक है, तो अब ये इतना आपको भूल जाना है। अब आपको ये वाला जो आपने निकाला है एक दिन का कार्य, इसी को आपको रेशियो मान के ये पैसा आपस में बांट देना है। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो 5, 4 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा था किसका, ए का पूछा जा रहा था कि ए को कितना राशि दिया जाएगा। सो टोटल राशि हमारा कितना है, 960 रुपये है और देना किसको है, ए को देना है। तो ए का यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 और इन तीनों को प्लस करके 5, 4, 9, 9 और 3, 12। 12 रहेगा हमारा नीचे, तो 12 से जाएगा ये 8 बार में और ये 0 तो रहेगा, यानी कि 80। 80 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, 400 ए को मिलेगा, यानी 400 रुपये ए को मिलेगा। आप यहाँ पर बी का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं, जिसका भी पूछता यहाँ पर आप उसका निकाल सकते थे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कभी अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इसे स्किप नहीं करेंगे। तो अब आपको फटाफट कमेंट करना है और लिखना है समझ में आ गया सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और एक एक लाइक तो आप ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। अब क्वेश्चन आपने देखा और पढ़ा भी तो इसमें अल्कोहल का प्रतिशत पूछा जा रहा है और इसमें मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया जा रहा है पानी। तो आपको अगर ये पता चल गया कि इसमें अल्कोहल कितना है, 15 लीटर में अल्कोहल है कितना, तो आप आराम से अल्कोहल का प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि इस जो 15 लीटर में अल्कोहल है कितना। तो अल्कोहल का यहाँ पे अनुपात कितना दिया हुआ है, 1, तो 1 रहेगा आपका ऊपर, इन दोनों को प्लस करके हम रखेंगे नीचे, तो 5 से जाएगा ये 3 बार में, यानी कि आपको यहाँ पर पता चल गया कि 3 लीटर जो है आपका क्या है, अल्कोहल है। जैसे आपको 3 लीटर पता चला अल्कोहल है तो इसमें पानी कितना होगा, पानी होगा आपका 12 लीटर। ठीक है, वाटर होगा 12 लीटर। अब कहा जा रहा है कि जो ये वाला मिश्रण है इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाना है। अब पानी मिलाएंगे तो 12 लीटर पहले से पानी है तो 3 लीटर और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 लीटर पानी हो जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा था किसका परसेंट, अल्कोहल का परसेंटेज पूछा जा रहा था। सो अल्कोहल का यहाँ पर मात्रा कितना है, 3 लीटर है, तो 3 रखें आप ऊपर और इन सभी को जोड़ के आप रखें नीचे, यानी कि अब जो नया आपका
मिश्रण बना है 15 लीटर पानी और 3 लीटर अल्कोहल, तो दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 18, और गुणे आपको कर देना है 100, तो ये जाएगा 3 से 6 बार में, तो आपका बचेगा कितना 100/6। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16 से 2/3%। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं, आखिर क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ का जो दूरी है, डिस्टेंस है, कितना है 90 किलोमीटर यहाँ पर दूरी है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ये व्यक्ति है घोड़ा से जाता है और 7 किलोमीटर जाते के साथ ही यहाँ पर रुकता है, और यहाँ पर कितना मिनट रुकता है 6 मिनट रुकता है, और ऐसे ऐसे करके जो है ये लास्ट तक पहुँचता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप ध्यान देना कि ये जो 90 किलोमीटर दूरी है, अगर ये नहीं रुकता, अगर मान लिया जाए 6 मिनट अगर नहीं रुकता तो कितने समय में पार करता, तो 90 और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, तो इसे जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 घंटा, यानी कि 5 घंटा में ये दूरी तय कर लेता। तो इतना समय तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 घंटे में ये पूरा का पूरा दूरी तय कर लेगा। और ये जो रुक रहा है 6-6 मिनट रुक रहा है, कितना बार रुकेगा वो हमें सिर्फ पता करना है और इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए 90 किलोमीटर हमारा टोटल दूरी है और 7-7 किलोमीटर पे ये रोक रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि 90 से 7 को डिवाइड करना है और इसके आसपास में ले जाना है। इसके आसपास में अगर ले जाएंगे तो कितना बार में ये जाएगा, तो 12 बार में जाएगा, 12 × 7 = 84। तो आपको कम रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, यानी कि ये जो 12 बार रुकेगा घोड़ा लेकर के जा रहा है, तो 7 किलोमीटर के बाद जो रुकेगा ये 12 बार रुकेगा और 12वां बार में यहाँ पर ये पहुँच जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 बार रुका और एक बार में कितना रुक रहा है 6 मिनट, तो 12 बार में कितना रुकेगा 12×6 = 72, यानी कि 72 मिनट ये टोटल यहाँ पर रुकेगा। 72 मिनट का कहने का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट 5 में जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 6 घंटा 12 मिनट। तो देखते हैं कौन वाला ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 6 घंटा 12 मिनट। सो ऑप्शन बी में यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है 6 घंटा 12 मिनट। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको ओरली सॉल्व करा देता हूँ बिना फार्मूला के। सो आप इसी तरह से एग्जाम में सॉल्व करें ताकि आप किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन दें तो आप उसे लॉजिकली सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और अच्छा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कहता है कि ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय की राशि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी का जो आय है 6:5 के अनुपात में है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और ए और बी का जो व्यय का अनुपात है कितना है 4:3 के अनुपात में है। अब देखिए आय में से अगर हम जो कमाते हैं आय में से अगर हम यहाँ पर व्यय अगर घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा बचत, ठीक है। और बचत का यहाँ पर देखिए प्रत्येक माह जो जितना बचाता है इसका यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है 400 रुपये बचाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यहाँ पर आय और व्यय का, यहाँ पर भी 2 है और इधर भी 2 है। अब ये 2 जो आया है ये किसके बराबर है, ये 400 के बराबर है, तो 2 = 400 होगा, तो एक यूनिट का वैल्यू जो यहाँ पर निकलेगा कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा था कि उनकी मासिक आय की राशि कितना है, यानी कि कैलकुलेट करके बताना है आपको, जोड़ के बताना है दोनों का मासिक आय। तो देखिए एक का है 6 और एक का है 11, तो दोनों को जब हम 5 है तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 जब हो जाएगा तो एक यूनिट का यहाँ पर मान हमने निकाला है 200, तो 11 यूनिट का कितना हो जाएगा, 11 यूनिट का हो जाएगा 2200, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आप सभी ने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब चलिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।